दिसंबर माह में ठंड और कोहरे ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को कोहरे की चादर के बीच सुबह हुई। भोर से सुबह तक कोहरा छाया रहा, इसमें विजिबिलिटी कम हो गई। ऐसे में वाहन सड़क पर रेंगते नजर आए। पारा भी दिनों दिन लुढ़क रहा है। वाराणसी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ रही है, इससे हृदय व श्वास के रोगियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नवंबर के आखिरी दिनों से ही ठंड व कोहरा बढ़ने लगा था। गुरुवार की सुबह कोहरा छाया रहा। सुबह सूरज की किरणें पड़ने के बाद भी धीरे धीरे कोहरा और धुंध कम हुई। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अब कोहरा रहेगा, अभी बहुत तेजी से ठंड बढ़ने की उम्मीद नहीं है। वाराणसी ज्ञानवापी परिसर से संबंधित मुकदमा नंबर 712/2022 भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान केस की शुक्रवार 2 दिसंबर से फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियमित सुनवाई होगी। किरण सिंह बिसेन ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर मामले की सुनवाई व नियमित पूजा पाठ का आदेश देने की मांग की थी। इस पर अदालत सुनवाई करेगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में किरण सिंह बिसेन व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के नाम से मुकदमा चल रहा है। इस मामले में पहले भी सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट ने इस पर अब नियमित सुनवाई करने का आदेश दिया है। विश्व वैदिक सनातन संघ से जुड़ी किरण सिंह बिसेन ने आदि विश्वेश्वर विराजमान की नियमित पूजा पाठ करने की अनुमति हिंदू पक्ष को देने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने 2 दिसंबर से नियमित सुनवाई का आदेश दिया है। कमिश्नर कौशलराज शर्मा गुरुवार को लहरतारा स्थित एनआई ग्राउंड में चार्टर्ड अकाउंटेंट क्रिकेट प्रीमियर लीग में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट वेलफेयर ऑफिस की ओर से आयोजित क्रिकेट लीग टूर्नामेंट की सराहना की। कहा कि खेल के जरिए एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना बढ़ती है। कमिश्नर ने कहा कि एक प्रोफेशन के साथ ऐसे कार्यक्रम का आयोजन जरूरी है ताकि सबको एक दूसरे से मिलने का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि टूर्नामेंट में 6 टीमें भाग ले रही हैं। भविष्य में और ज्यादा टीमें बने और वाराणसी जनपद के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के और जनपदों जैसे प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ आदि के लोग भी ऐसे टूर्नामेंटों में भाग ले। कमिश्नर ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बंधुओं का शहर के विकास में बहुत योगदान है। गंगा में कई हादसों के बाद प्रशासन की सख्ती से नाराज निषाद समाज के लोगों ने गुरुवार की सुबह नाव संचालन बंद कर बैठक की। इसमें निर्णय लिया गया कि नाविक अब प्रशासन के मानकों के अनुरूप ही गंगा में नावों का संचालन करेंगे। दुर्घटना के लिए सिर्फ अब प्रशासन जिम्मेदार होगा। समाज के लोगों का कहना रहा कि अब जितने भी लोगों को नाव की सैर कराएंगे सभी को लाइफ जैकेट का उपयोग करना होगा। जनमानस की सुरक्षा के लिए जितने भी उचित नियम बनाए जाएंगे सबका मजबूती से पालन करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नौकायान हमारा कर्म और धर्म है। नौका संचालन के वक्त लोगों की सुरक्षा का ध्यान देते हैं। कोई गंगा में कूद कर आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो उसे भी बचाते हैं। अपने गोताखोरों की मदद से डूबे हुए शवों को बाहर निकलवाने में प्रशासन की मदद करते हैं। ऐसे में अब से ये सब कार्य करने की बजाय शासन से निर्धारित मानकों के अनुरूप केवल नावों का संचालन करेंगे। उत्तरी विधानसभा की चुनाव रिटर्निंग अफसर एवं उपजिलाधिकारी मीनाक्षी पांडे ने गुरुवार को तहसील सभागार में समस्त एआरओ और सुपरवाइजर की बैठक कर मतदाता पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस कार्य में कोई कोताही न करे। मीनाक्षी पांडे ने कहा कि किसी भी बूथ पर फॉर्म 6 व फॉर्म 7 10-10 प्रति से कम न हो। 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। साथ ही महिला मतदाता, ट्रांसजेंडर व सेक्स वर्कर का नाम जोड़ने के लिए घर घर सर्वे किया जाए। इस दौरान किसी भी मतदाता का नाम छूटने न पाए। उन्होंने कहा कि जिन बूथों में जेंडर रेशियो कम है वहां महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए। गरुड़ ऐप पर उपलब्ध फोटो सिमिलर एंट्री व डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री का सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार करें। साथ ही आधार लिंकिंग कार्य की प्रगति बढ़ाएं। बनारस रेल इंजन कारखाना ने नवंबर माह में रेल की बोगियों के निर्माण और पेंट करने तक की सबसे सर्वाधिक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस बार 8 शेल 52 लोको सेट बोगियों का निर्माण व लोको पेंट शॉप ने 8 शेल 8 अंडर फ्रेम 52 लोको बोगियों को पेंट कर रिकॉर्ड कायम किया। अधिकारियों व कर्मचारियों की इस उपलब्धि के लिए महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने बधाई दी है। उन्होंने बताया कि बरेका में नवंबर माह का बना रिकॉर्ड किसी भी महीने में अब तक किए गए निर्माण का सर्वाधिक है। महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने सभी कर्मठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए बधाई दी है। महाप्रबंधक ने कहा कि बरेका टीम भावना से कार्य करते हुए नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। चितेपुर थाना के करौंदी स्थित आईटीआई कॉलेज के पास नाले में बोरे में बांधकर फेंका गया शव गुरुवार की सुबह मिला, जिससे सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस पहुंची जो छानबीन में जुटी रही। गुरुवार की सुबह नाले की तरफ गए राहगीरों की नजर नाले में फेंके गए बोरों पर पड़ी। मौके पर काफी लोग इकट्ठा हो गए। मामला संदिग्ध समझकर लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
शव को कपड़े चादर और बोरे के कई परत में बांधकर फेंका गया था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। लोगों की माने तो हत्या कर शव को फेंका गया है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। शव के हाथ पर मोंटी लिखा हुआ है। शव लगभग 35 साल के युवा की बताया जा रहा है। पुलिस शव के शिनाख्त में जुटी हुई है। शहर को गार्बेज मुक्त बनाने के लिए नगर निगम की ओर से गुरुवार को जीवीपी अभियान का आगाज किया गया। नगर निगम व वेस्ट सॉल्यूशन संस्था ने आदमपुर जोन के भदोचुंगी और भैंसासुर घाट के पास सफाई अभियान चलाया। 3 दिनों तक लगातार सफाई अभियान चलेगा। इस दौरान गंदगी वाले स्थानों को चिन्हित कर सफाई कराई जाएगी। वहीं सड़कों, गलियों व घाटों को पूरी तरह से कचरा मुक्त किया जाएगा। अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। यहां सेल्फी लेने के लिए लोगों की होड़ रही। आदमपुर जोन के सफाई व खाद्य निरीक्षक अजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर ये एक शुरुआत है, जहां लोग शौच कर देते हैं, अधिक कूड़ा कचरा और गंदगी रहती है। उन स्थानों को साफ करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गंदगी को पूरी तरह से खत्म करना है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि शहर को गंदगी मुक्त रखने में नगर प्रशासन की मदद करें। नए पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन बुधवार शाम सर्किट हाउस पहुंचे। पुलिस कर्मियों ने उनका वहां स्वागत किया। इसके बाद काशी की परंपरा के अनुसार उन्होंने रात में काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। लगभग 20 साल पहले अशोक मुथा जैन जब वाराणसी के एसपी सिटी थे, तब काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके चारों ओर की गलियां काफी सक्रिय थी। बुधवार को जब वो कॉरिडोर पहुंचे तो धाम की भव्यता देख उनके चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी। नए पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन ने कहा कि बनारस शहर प्राचीन है, लेकिन वर्तमान सर्वोपरि है। इसलिए प्राचीनता के साथ साथ वर्तमान की आवश्यकताओं को देखते हुए कार्य करेंगे। जनहित के कार्यों को और गति मिलेगी। अपराधियों पर लगाम लगाना प्राथमिकता है, ताकि आम जनमानस चैन की सांस ले सके। नवागत पुलिस कमिश्नर गुरुवार को छावनी क्षेत्र स्थित अपने कैंप कार्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले और अब की पुलिसिंग में काफी अंतर आ चुका है। गौरतलब है कि अशोक मुथा जैन करीब 2 दशक पहले वाराणसी के एसपी सिटी रह चुके हैं। बनारस के परिवेश और यहां की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है। उनका मानना है कि समय बदलता है और अपराध के तरीके भी। ऐसे में पुलिस ने भी अपने को उसी सांचे में ढाल लिया है, ताकि अपराधियों पर पुलिस का खौफ बना रहे। में जो अपराध हो रहे हैं उसको लगाम लगाने की क्या योजना रहेगी, और प्लस जो शहर भर में नशे का कारोबार फैल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक नशे की बात है, तो मैं खुद ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से यहाँ डेलीगेशन पर आया, तो मैं इस समस्या की निकरालता से अच्छी तरह परिचित, और हमने देखा है कि कैसे परिवारों को खोखला कर रहा है। और मुझे आपने जब याद दिलाया मुझे, तो मुझे याद आ रहा जब मैं एसपी सिटी था, तब भी हमने यहाँ एक छोटी सी संस्था बनाई थी प्रयास के नाम से। हो सकता है वो उसी समय दम तोड़ी होगी, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ सिविल सोसाइटी के लोग मेरे साथ जुड़े थे उस समय, और एक एनजीओ टाइप का हमने प्रयास बनाया था। उसमें हमने लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की थी। खैर, वो तो पुरानी बात होगी, लेकिन ये जेन्युइन समस्या, और जो मेरा 5 साल का अनुभव रहा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस अनुभव, और यहाँ जो एनसीबी का हमारा यहाँ पे नज़दीक में लखनऊ में एक ऑफिस भी है, जहाँ दोनों का रखते हैं, तो हम इनके साथ भी मिलकर काम करेंगे और इस पर हम चोट करने का पूरा प्रयास। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप, या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।